मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज मेरा सुरभि शोध संस्थान चुनार मिर्जापुर में आगमन हुआ है। इस गौशाला यहां पे जो संस्थान में गौशाला गुरुकुल है और जैविक खेती और जैविक खाद बनाया जा रहा है। 1990 में इस संस्थान की स्थापना हुई थी। तो आप देखे जैसे पीछे दीवार पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है श्री गोवर्धन गौशाला रामबाग चुनार। आइए यहाँ पे जो गौशाला के जो यहाँ पे मैनेजर लेवल पे काम करते हैं उनसे इस गौशाला में गायों के बारे में रोचक जानकारी लेते हैं एक एक चीज की, जिससे आपको घर बैठे इस संस्था के बारे में, गौशाला के बारे में, गुरुकुल के बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके। श्री गोवर्धन गौशाला का आप ये वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से बड़े शेड्स बनाए गए हैं। तो आप इधर देखिए, इधर से चलते हैं, सबसे पहले एक एक बाड़े को कवर करते हैं और यहाँ के जो गौशाला का थोड़ा सा मैं दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये सारे जो यहाँ पर गौ माता के भूसा हरा सूखा चारा बनाया जाता है, डाला जाता है। तो इस तरह से ये जो है साहिवाल नस्ल की गौ माता का इस गौशाला में पालन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ साहिवाल गौ माता। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये अभी साफ सफाई चल रही है, तो यहाँ जितने स्टाफ हैं साफ सफाई पे पूरा ध्यान देते हैं जिससे गौ माता को कोई परेशानी ना हो। तो उस तरफ बाड़े में सामने की तरफ तो आपको पूरी बड़ी बड़ी गौ माता दिखाई दे रही हैं। यहाँ छोटे बच्चे जो छोटे नन्हे गौवंश हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये देखिए आराम फरमा रहे हैं और यहाँ पे जो गौपालक हैं उनकी देख रेख में लगे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत शानदार गौशाला है यहाँ पे। कोई देखिए साफ सफाई कितनी है, आप देखिए पहले यहाँ पर। तो जब तक साफ सफाई रहेगी गौ माता भी सुख, उनके बच्चे को भी सुख प्रदान होगा। तो छोटे बच्चे ये साहिवाल के हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ का जो कर्ता धर्ता या मतलब मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं उनका परिचय लेंगे और इस गौशाला के बारे में रोचक जानकारी आपको। सुरेश कुमार जी आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में जुड़े हुए हैं और सोनभद्र के जिले के रहने वाले। ये यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला या शहर मान लीजिए सोनभद्र है। तो सुरेश जी आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। जी हाँ, मेरा नाम सुरेश कुमार है और पशु चिकित्सक हैं श्री गोवर्धन गौशाला रामबाग चुनार में। पशु चिकित्सक भी हैं आप? जी जी जी। और उसके साथ इसके इंचार्ज भी हैं गौशाला का, इसकी पूरी व्यवस्था मेरे जी में रहती है। इन लोग खान पान जो भी समस्या होती है हम ही सब करते हैं। और हमारे यहाँ साहिवाल प्रजाति के टोटल 130 गौवंश हैं। 130 गौवंश हैं जी। तो उसमें से कितनी गौ माता दूध देती है? इसमें हमारे यहाँ 29 गाय दूध दे रहे हैं। उस दूध का प्रयोग कहाँ पे लिया जाता है? इस दूध का प्रयोग हम लोग सुबह वाले दूध में हम लोग यहाँ से भेज देते हैं बनारस, जो हम लोग हेड ऑफिस है वहाँ पर दूध चली जाती है, वहाँ से अपना ये लोग मीठे के रूप में यूज करते हैं कहीं अपने मीठे में, और दुकान है दुकान में अपना सप्लाई करते हैं। शाम वाले दूध है तो हमारे यहाँ वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास है, 225 बच्चे हैं। शाम को एक बच्चे के प्रति 250 लीटर 250 ग्राम दूध देना पड़ता है। 250 ग्राम 250 ml दूध देना पड़ता है जी हाँ, एक बच्चे को। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि यहाँ पे गौ माता के पालन के साथ साथ में जो वनवासी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आगे चल के आपसे और सुरेश जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप जैसे आपने बताया कि आप पशु चिकित्सक हैं जी, आपने कोर्स भी किया होगा, जाहिर सी बात है आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा जी। तो मैं आपका ये जो सफर है जी पशु चिकित्सक बनने का जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ आपने कहाँ से शुरुआत किया और कैसे किया, ये थोड़ा सा बताइए। ये हम बनारस जो रामेश्वर गौशाला है उसी में रह रहे थे, हमने इंटर एग्रीकल्चर से किया। इंटर एग्रीकल्चर से जी। तो क्या होता है इंटर में पूरे एग्रीकल्चर पूरी होती है, गोवंश की देख रेख, इन लोगों को मात्रा और खेती के बारे में। उसी समय से मेरे समझ में आया कि नहीं पशु चिकित्सक ही बनना अच्छी बात है, एक गौ माता की सेवा करना भी उचित है। उसके बाद उसी गौशाला में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया जी। हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी के देख रेख में हमने 6 साल उनके साथ किए। उसके बाद मैंने एमएससी करने के बाद रामनगर से हमने ट्रेनिंग 6 महीने किए, पूरा किया मास करने के बाद। ये जो रामनगर में आपने ट्रेनिंग लिया था वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट था या सरकारी था? सरकारी लिमिटेड है वो जी जी जी, उसके थ्रू लिमिटेड है, सरकारी के माध्यम से है, लोग ट्रेनिंग कराते हैं। एक दिमाग में और सवाल उभर के आ रहा है कि ज्यादातर लोग पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले लेते हैं पशु चिकित्सक बनने के लिए जी, और फिर बाद में उस सर्टिफिकेट को दिखा कर अलग अलग संस्था या गौशाला में
जाकर उससे अपना वो नौकरी पा लेते हैं और उस कार्य को करने लगते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, आपने रामनगर गौशाला जो ये सुरभि सोच संस्थान की गौशाला है, रामेश्वर गौशाला वहां पे आपने जाके पहले संस्था का ही गौशाला चुना और फिर आपने बाहर से सरकारी संस्था को चुना जी। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे का एक ट्रेनिंग लेने के बाद एक आपको प्रूफ मिल जाती है, ग्रुप मिलने के बाद आप गौशाला में इलाज कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, कोई भी क्षेत्र में कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसका ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी। तो कितना तजुर्बा है आपको ये पशु चिकित्सक का जी? कितने साल का तजुर्बा है आपको, एक्सपीरियंस है पशु चिकित्सक का? 8 साल के हो गया है। 8 साल से जी, 8 साल से आप इस संस्था में सेवा दे रहे हैं जी, गौ माता के लिए जी? नहीं, अपना तो 2 साल 6 साल तक उधर भी जा रही है, ताकि 2 साल से 2.5 साल से हम से अपना श्री गोवर्धन गौशाला में अपना सेवा दे रहे हैं। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम नौगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे चलते हैं, साहिवाल गौ माता के सारे बच्चे हैं, आप देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, और जितना इनके साथ आप समय बिताएंगे आपको बहुत पॉजिटिव तरंगे मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसी संस्था में, ऐसी गौशाला में आकर इन बच्चों के साथ साथ आप समय बिताएं, इनको जानने की कोशिश करें, इनके साथ प्यार करें, तो इस तरह की संस्था में आने पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ अभी जो यहाँ के पशु चिकित्सक हैं और आप ये समझ लीजिए मैनेजर पे काम लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे सुरेश जी हैं। सुरेश जी आप बताइए, बच्चों का आप लालन पालन आप कैसे करते हैं और इनको आप खाने पीने में क्या दे रहे हैं अभी? जी और कितने महीने के बच्चे हैं ये? बच्चे ये 1 महीने से लेकर 5 महीने तक बच्चे हैं जी। जो छोटे बच्चे हैं, जो उसको 10 दिन तक हम लोग उसको उसकी माँ के दूध उसको पिलाते हैं जी, उसके उसके दूध उसके उसके बाद हम लोग उन लोग के दूध को हम लोग यूज करते हैं, और बच्चों को उसकी माँ के दूध पिलाने के साथ साथ इन लोग को थोड़ा सा खरी चूनी होती है, जैसे चूनी हो गई, चोकर हो गया, गुड़ हो गया, पाउडर हो गया। ये बच्चे होने के बाद हम 1 महीने बाद इसको हम डिलीवरी कर देते हैं। तो यहाँ बच्चों की, छोटे बच्चों की संख्या कितनी है? छोटे बच्चे की संख्या हमारे यहाँ 29 है। 29 है जी, जो बच्चे हैं 1 महीने से लेकर साल भर के हैं, इसकी संख्या हमारी 29 है। 1 महीने से 7 महीने तक के बच्चे हैं ये? जी हाँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, और इस तरह से आप दर्शन कर सकते हैं गौ माता के बच्चों का। सुरेश जी मुझे ये बताइए, इसमें जो 29 बच्चे हैं जी, इसमें सबसे छोटा वाला बच्चा कौन सा है? सबसे छोटा वाला बच्चा ये है, 2 दिन का बच्चा है। 2 दिन का बच्चा है ये जी। ये देखिए, ये बछड़ा है, बछड़ी है? बछिया है जी। तो यहाँ पे गायों का, बच्चों का आप लोगों ने कुछ नाम भी रखा है क्या? जी नहीं, ऐसे नॉर्मल तो कोई नाम नहीं है, इनको नंबरिंग किया गया है। नंबरिंग किया गया है, जैसे ये कान के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक यहाँ पे साहिवाल गौ माता आपके सामने है, कितनी प्यारी और इतनी सुंदर गौ माता। सुरभि सोन संस्थान में श्री गोवर्धन गौशाला में मेरा आगमन हुआ है, तो यहाँ पे 2 नंदी महाराज हैं और 3.5 साल के हैं ये, यहाँ पे बहुत अच्छी ये सर्विस दे रहे हैं। ये जो बाहर का नजारा आपको दिखाई दे रहा है मिट्टी और गोबर वाला, ये एरिया में गायों को और बच्चों को छोड़ दिया जाता है, जिससे इस गौशाला में जो 2 बाड़े हैं, ये देखिए ये 2 बाड़े हैं, तो यहाँ पे ये साफ सफाई कर सकें ये जो गौपालक हैं या सफाई कर्मचारी हैं। तो अभी देखिए साफ सफाई हो चुकी है, तो सारे गौपालक गायों को अपने अपने स्थान पर बांध कर या जो भी है रख किया जा रहा है इस तरह से व्यवस्था में। तो आगे चल के अभी इन गायों के बारे में रोचक जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और क्या जानकारी यहाँ से मिल सकती है। तो ये जो है पूरा बाड़ा इधर भी है, एक जिसमें इसमें बिना दूध वाली है, ये जो बाड़ा है ये बिना दूध वाली सारी गौ माता प्रेग्नेंट गाय है, बाछी जो है। तो ये जो बाड़ा आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जितनी भी गौ माता है या तो प्रेग्नेंट है और या तो यहाँ पर वो दूध देने वाली नहीं है, तो ये अलग से बाड़ा ये किया गया जिससे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन की गाय किस लिए कहाँ पे बाड़ा बनाया गया है। तो ये आप देख लीजिए अभी चारे में लीन है सारी गौ माता।
सुरेश जी, ये जो बाड़ा अभी दूसरा बाड़ा आप मुझे लेके आए हैं, इस बाड़े में देखिए सारी गौ माता है, तो आप मुझे सबसे पहले गौ माता के आप लोग सभी लोग दर्शन कर लीजिए। और सुरेश जी से मेरी जानकारी है कि यहाँ पे जो गायों का आपने रख रखाव किया है, पालन कर रहे हैं, ये गौशाला का जो दूसरा भाग विभाग है, इसमें क्या अलग बात है? इसमें देखिए, इसमें इस साइड में जो हमारे है, इसमें 58 है, 58 आधे हैं। इसमें से हम लोग इसमें प्रेग्नेंट गाय जो 5 महीने 6 महीने 7 महीने तक जो प्रेग्नेंट गाय हैं, हम लोग इसको इसमें बांधते हैं। और जो दूसरा साइड इस साइड में है, इस साइड में 52 नादे हैं। 52 नादे में जो बच्चिये हैं, जो 2 साल से ऊपर जो बच्चियां रहती हैं, हम लोग उसको इसमें बांध इस साइड में बांधते हैं जी। उसके बाद जो हम लोग जो गाय प्रेग्नेंट नहीं रहती हैं, उसको हम लोग इस गौशाले से, तो अपना दूसरा गौशाला है वहाँ, हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। कि वहाँ बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बहुत रहने की व्यवस्था है। हमारे गौशाला में 120 गोवंश के रहने की क्षमता ही है, उससे ज्यादा नहीं है। नहीं, इससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा जब होने लगता है तो आप यहाँ से, हम जैसे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, जो बाछा हम लोग नहीं रखते हैं, दूध छोड़ दिए, थोड़ा बात उन लोग हटा देते हैं। जो बाछी है उसको हम लोग अपने गौशाला में पालते हैं, उनको करते हैं। जो गाय से माली बुढ़ी हो गई, जो बुल बुढ़े हो गया, उसको हम यहाँ से लोग यहाँ से उस गौशाला में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब तक वो जिएंगे तब तक उसमें अपना दाना चाना पानी वहाँ मिलता रहता है। तो इनको आप जितने भी यहाँ पे गौवंश हैं छोटे बड़े, इनको आप इस मौसम में या हर अलग अलग मौसम में दाना पानी जो भी देते हैं, चारा, वो अलग रहता है या 12 महीने एक जैसा होता है, पहला सवाल। दूसरा, आप इनको क्या देते हैं भोजन में, खाने में? जैसे कि हम लोग इन लोग का, जिस मान लीजिए अभी अभी चल रही चारा, हरा चारा चल रही है, इसमें सब हम गौवंश हरा चारा खिलाते हैं। दाना हो गया, चूनी हो गया, चोकर हो गया, इसके साथ में हम लोग बिनौला खली खिलाते हैं, सरसों खली खिलाते हैं, भूसा गुड़ खिलाते हैं, नमक खिलाते हैं। सबसे अच्छी चीज हम लोग खिलाते हैं कि एक आती है टोटा भी स्ट्रांग पाउडर, जो ये लोग का पाचन शक्ति मजबूत करे, ये लोग को भूख बढ़ाए, गर्भाधान टाइम पे हो जाए। इसलिए हम परमानेंट हर गाय को हम लोग 100 ग्राम वो खिलाते हैं। वो कहाँ, यहाँ पे कहीं वो कट्टा या बोरी रखी हुई है? जी जी हाँ, यहाँ पे बोरी उपलब्ध रहती है हमेशा, बरहो मास हम लोग खिलाते हैं। उससे क्या होता है कि एक रोग प्रतिरोध क्षमता लड़ने की शक्ति उसके अंदर होती है, इसलिए उसको खिलाना हम लोग बहुत जरूरी होती है। तो वो पैकेट क्या अभी हम देख सकते हैं? जी जी, पैकेट आप देख सकते हैं। तो अभी जिस पौष्टिक आहार की बात कर रहे थे सुरेश जी, वो हमारे सामने ये आ चुका है जी। और इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहूंगा, इसके ऊपर लिखा लुटीम एनिमल केयर डिवीजन जी, अमीन स्ट्रांग के नाम से पाउडर है ये, अमीन स्ट्रांग के नाम से जी, चेलेटेड मिनरल मिक्सचर ग्लूकोज हाई मिल्क प्रोडक्शन जी, और ये फर्टिलिटी पे भी कुछ काम करता है जी। हाँ, तो जो गौ माता गर्भवती हैं जी, एक तो उसमें काम करेगा जी, दूसरा उनका जो दूध कम देती है गौ माता जी, लोग उससे भी परेशान होते हैं जी, क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि गौ माता को सुबह से लेकर शाम तक क्या देना है, क्या खिलाना पिलाना। तो हाई मिल्क प्रोडक्शन के तौर पे भी ये पौष्टिक आहार है। और भी जो रोचक जानकारी दे सकते हैं सुरेश जी? जी, इसमें क्या होता है कि इसको खिलाने से जो गाय हिट में नहीं आती है, वो हिट में अपने टाइम हो जाती है जी। और जो एक सबसे समस्या होती है कि थनेला रोग की होती है, थनेला रोग जी, मेस्टाइटिस जिसको कहते हैं जी जी जी, क्या उसको, क्या इसको खिलाने से क्या होता है कि बहुत कम होती है हमारे में। लेकिन ये भी कहा जाता है कि दूध निकाल कर गौ माता का दूध दोहन करके गौ माता को आधे घंटे तक कम से कम जमीन पर बैठे नहीं देना चाहिए, जिससे थनेला नाम की बीमारी ना हो। तो ऐसा होता है कि हमारे जो आधे 15 मिनट तक बच्चे उसके साथ रहते हैं, वो बैठ नहीं पाती है। उसके बाद 15 मिनट तक हमारे गोपालक दूधते होते रहते हैं, तो बैठ नहीं पाती है, इधर उधर चारा वारा देते हैं, चारा अपना खाने लगती है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता हम लोग थनेला में। इस पाउडर को हम लोग खिलाने से क्या होता है कि दूध में फ्री फैट जो होता है वो बराबर रखती है। ये गौशाला में गायों को जब से दे रहे हैं जी, आपने गौ माता के स्वास्थ्य में क्या फर्क देखा है? इस पाउडर को हमने 2 साल से दे रहे हैं। 2 साल से जी, इससे पहले हम दूसरा कंपनी के यूज कर रहे थे, लेकिन अब इस कंपनी का हमने यूज किया। थोड़ा मात्रा हम देखे इसका, इसमें हम देखे इसका कैल्शियम विटामिन, हमने इस कंपनी को मैंने चुना। जैसे इस पैकेट पर जी अगर करीब से देखा जाए जी, तो विटामिन ए, विटामिन डी थ्री, विटामिन ई, विटामिन B12, डी बायोटिन, निकोटिनामाइड, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज जी, सोडियम, सल्फर, जिंक, बायो एक्टिवेट,
कैल्शियम फास्फोरस जीवंती सतावरी भी है इसके अंदर, जो गौ माता का दूध का वृद्धि का भी होता है। कोलाइन क्लोराइड तो इतने सारे गुणवत्ता के साथ साथ में ये सारी चीजें इसमें डाली गई हैं। शारीरिक व प्रजनन अंगों का समय से पूर्ण विकास, गर्भधारण में वृद्धि, दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है और इस तरह की बहुत सारी रोग क्षमता बढ़ाता है। तो ये जब से आपने 2 साल से गौ माता को दिया है जी, आपको क्या फर्क नजर आया गौ माता में? इससे क्या होता है कि पहले और आपके मुकाबले में हमारे पहले से हमारे इसमें गौ बहुत सही हैं, अच्छे हैं देखने में, अच्छे से अपना भूसा भी अच्छे से खा रहे हैं और जो प्रजनन क्षमता वो भी अच्छे से टाइम पे हो जा रहा है लोग का, इसी कोई समस्या हो नहीं रही है। सोरभी सोन संस्थान की गौशाला में जैसे मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ये जो गौ माता वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, एक टाइम का सुबह दूध दोहन का टाइम में 10 लीटर दूध गौ माता से प्राप्त होता है। आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और थन भी इनके काफी अडर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो सुरेश जी, आप मुझे बताइए ये गौ माता आपके यहाँ पे कितने समय से हैं इस गौशाला में और इनको आप क्या चारे में खिलाते हैं? ये तो हमारे मान लीजिए चार बच्चे की माँ बन चुकी है। चार बच्चे इनसे प्राप्त हो चुके हैं अभी तक। और कितनी उम्र हो गई इनकी अभी? इनकी उम्र 7 साल हो गई। उसके बाद इसके चारे में हम लोग भूसा और दाना मिक्सचर, जो दाना हम लोग होती है पूरा मिक्सचर हम लोग बनवाते हैं, बनाने के बाद दाना खिलाते हैं, उसके बाद वो हरा चारा है चारा देते हैं, उसके बाद कैल्शियम की आवश्यकता है तो कैल्शियम भी इसको हम खिलाते हैं। तो जैसे अभी और दूसरी गौ माता कौन सी है जो दूध यहाँ पे देती है? देखिए आप गौ माता है जो एक दूसरी गौ माता ये है जो दूध इनका एक टाइम का कितना है? इनका भी 10 लीटर है। इनका भी मतलब टोटल 20 लीटर होता है जी। अच्छा, दूध दोहन का जो समय है जी वो सुबह और शाम का क्या है? सुबह में हम 4 बजे लोग का हमारे जो गोपालक हैं 4 बजे लग जाते हैं दूध। और कब तक चलता है? 6 बजे तक। दो घंटे तक पूरे दूध निकाल लेते हैं। और शाम को? शाम को वो भी 4 बजे करते हैं, वो भी 5:30-6 बजे तक वो भी अपना दूध निकालते हैं। तो हाथ से निकालते हैं, मशीन से हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो जैसे सुबह शाम का दूध टोटल लीटर लीटर कैलकुलेट किया जाए जी तो कितना आ जाता है एक दिन? 200 लीटर इसमें उत्पादन हो रहा है 29 गायों में। 29 गायों से 200 लीटर जी। तो वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो 200 लीटर दूध? 200 लीटर सुबह में जो हम लोग का दूध होती है यहाँ पे, जो हम लोग 12 लीटर 15 जब चाय बना के रख लेते हैं, उसके बाद इसी दूध को हम लोग भेज देते हैं अपने हेड ऑफिस पे। हेड ऑफिस पे अपना उस दूध को हम लोग मीठा में यूज कर लेते हैं, कहीं बंदी में है वहाँ पे अपना यूज कर लेते हैं। असम वाली दूध जो होती है तो हर बच्चों का 250 ग्राम से मध्यम से रख के यहाँ मेस में रोक लेते हैं। हमारे इस 205 लड़कियां रहती हैं गर्ल्स हॉस्टल में, वहाँ भी हम यहाँ से 30 लीटर दूध वहाँ भी भेजते हैं बच्चों को पीने के लिए। आइए तीसरी गौ माता जो यहाँ पे हैं वो कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं जी। बाड़े में सारी गौ माता जो बाहर की तरफ थी, पहले बाड़े की साफ सफाई होनी थी इस वजह से बाहर उनको छोड़ दिया गया था। तो ये दोनों, ये जो दोनों गौ माता हैं, एक तो ये गौ माता आप देख लीजिए और दूसरी मैं इस तरफ से दिखाता हूँ आपको, ये जो गौ माता है ये सुबह शाम का इन दोनों का कितना है? एक 10 लीटर में भी बैठी है सर। ये जो बैठी हैं ये भी 10 लीटर देती हैं जी। तो टोटल 4-5 संख्या हो गई आपके यहाँ? 4-5 संख्या है। तो ये सब 20-20 लीटर वाली गौ माता है जी। बहुत अच्छा। और इनका अडर क्वालिटी और बॉडी स्ट्रक्चर आप यह देख सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी है, साहिवाल गाय है, सारी देसी नस्ल की गौ माता साहिवाल गायों का ही यहाँ पे इस गौशाला में पालन किया गया है। और साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है गौ माता के लिए, क्योंकि देसी गाय ऐसी है कि जहाँ कचड़ा होता है वो वहाँ बैठती नहीं है, ये उसकी खासियत है। सबसे थोड़ा सा गाय हमारी है, किसी को देखने से थोड़ा सा करने लगती है, ये शांत स्वभाव की नहीं है थोड़ी सी। बाकी और सारी सब शांत स्वभाव की है, सब सही है। दो बुल आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 नंदी महाराज भी हैं। इधर मैं आपको गायों के दर्शन करवा देता हूँ, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे नंदी महाराज जी का दर्शन करते हैं। बहुत ही शानदार बुल यहाँ पे है इस गौशाला में, सुरभि सोन संस्थान श्री गोवर्धन गौशाला। तो ये कितने साल के हैं ये बुल? 3.5 साल।
3.5 साल। इनसे कितने बच्चे प्राप्त हो गए? साल भर से सर्विस कर रहे हैं। साल भर से? और कितने बच्चे? बच्चे इनको 15 बच्चे हो गए हैं। 15? जी हाँ। बहुत अच्छा। ये कहाँ से लेके आए थे आप? ये आया इसको बता, ये यहीं पे तैयार किया गया है? नहीं नहीं, एक चीज आपका और बता दे रहे हैं हम आपको, एक आपको जानकारी और दे रहे हैं। हम लोग को जो ही होती है कि जो सांड, जिसे मान लीजिए कि आप, हम ये सांड वहां से मंगाए हैं, देवरिया से मान लीजिए मंगाए हैं, जो सांड देवरिया से आया है यहाँ, इसको हम लोग यूज करेंगे। ये सांड जब पुराना हो जाएगा, जिससे आप जो इसकी जिससे क्रॉस किया है, जिस गाय को, उसकी जो बाछी है, जो जब वो क्रॉस के समय आ जाएगी, इसको हम हटा देंगे। ये सांड माँ और बेटी क्रॉस ना कर पाए, इसलिए हम इस सांड को हटा देते हैं, फिर दूसरा सांड अपना, तो उसको इन ब्रीड बोला जाता है। जी हाँ, तो इसको हम लोग हटा के दोनों सांड कर फिर दूसरा सांड तैयार करते हैं। जो सर्विस करने लगता तो अभी अपने यहाँ के जो सांड रहते बचते हैं, हम लोग इसको कहीं दूसरे गौशाला में कर देते हैं, चाहे किसी अदर को लोग दे देते हैं कि अपना हो जाए, कहीं अदर से कहीं हम लोग सहीवाल वैरायटी के सांड लेकर अपने गौशाला में यूज करते हैं। ये माँ और बेटी का क्रॉस ना कर पाए, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा बहुत ध्यान। यहाँ पे दूसरे नंदी महाराज जी हैं इस गौशाला के परिसर में, तो काफी अच्छा, मतलब इनका कद काठी भी बहुत ज्यादा अच्छा है और इनका हम्प क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो ये कितने साल के हैं? ये 3.5 साल के भी हो गया। 3.5 साल के हैं ये? जी हाँ। और इनसे कितने बच्चे अभी प्राप्त हो चुके हैं आपको? इससे 10 बच्चे करवाए हैं। 10 हो चुके हैं? जी हाँ। तो इस जो नंदी महाराज से 10 बच्चे प्राप्त हुए हैं और ये 15 बच्चे दे चुके हैं। जी हाँ। और दोनों की जबरदस्त बिल्डअप क्वालिटी है। जी हाँ। और जब तक आपके गौशाला के परिसर में नंदी महाराज अच्छे नहीं होंगे जी, तब तक आपको नन्हे गोवंश आपको ढंग से प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे गायों का जो बाड़ा साफ कर दिया गया है, उनको बाहर से उनके स्थान पर बुला लिया गया है जी, और इस तरह से वो अपने चारे में लीन है, भोजन में जी। तो जितना जानकारी मैंने देना था या सुरेश जी से मुझे लेना था, वो मैं अभी ले भी चुका हूँ। आखिरी समय में थोड़ा सा कुछ वो बताना भी चाहते हैं, इधर कुछ इशारा करके बताइए, क्या कह रहे थे आप जी? कुछ आप बताना चाह रहे हैं यहाँ पे गौ माता के बारे में? नहीं, गौ माता तुम्हारे सब स्वस्थ हैं, अभी ये लोग दाना चल रहा है, सबसे हम लोग सर सफाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये गोपालक जैसे हैं अभी भैया दिखाई दे रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, ऐसे कितने हैं आपके यहाँ पे? हमारे ऐसे 6 वर्कर हैं, जो ये लोग 6 लोग अपना मिलकर दाना भूसा धोना और सर सफाई की जिम्मेदारी सब अपने लोग करना। ये यहीं पे गौशाला के परिसर में रहते हैं? जी हाँ, ये लोग का घर अपना कहीं 20 किलोमीटर दूर है, कोई 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन 24 घंटे लोग गौशाला के परिसर में रहते हैं। किसी कारण से अपने घर में कुछ काम होती है तो छुट्टी लेके अपने घर जाते हैं, एक दिन रुकेंगे, सुबह फिर अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं लोग। सुरेश जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जो साहिवाल गौ पालन यहाँ पे इस श्री गोवर्धन गौशाला में किया जा रहा है, तो सुरेश जी से मेरा सवाल है कि साहिवाल गाय का जो यह पालन यहाँ हो रहा है जी, उसमें आपने क्या एक अनुभव आप इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? जी, साहिवाल गाय जो है, जो भारत के ही नस्ल के हैं, इस देसी गाय से मिलते जुलते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है कि दूध क्वालिटी थोड़ा सा ज्यादा होती है, दुधारू पशु होती है, हर मौसम में अपने आप के ढल लेती है, बीमार होने में चांस कम होता है, कोई भी इसको नहीं जरूरत होता, पंखा का नहीं जरूरत है, कोई एसी का नहीं, किसी कूलर का नहीं है, वो ना किसी मैट की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता अनुसार आप इसको लगा सकते हैं, नहीं लगा पाते कोई दिक्कत नहीं। दूध के मायने में साहिवाल गाय बहुत अच्छी ब्रीड है,